दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई खबर के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आज की नई खबर हमारी एक जो जैना मोड़ स्थित सारा इंडिया की ब्रांच है वहां से मिल रही है, जहां पे अभी कल की डेट में ही, मतलब कि गुरुवार की डेट में, वहां पे बहुत हंगामा हुआ और वहां पे लोगों को पुलिस भी बुलानी पड़ गई। हमारा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि और भी चीज़ें जो सहारा की आज भी चल रही हैं, आप उनसे भी भुगतान कर सकते हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है तो उसके भुगतान उसी हिसाब से करने चाहिए जिस तरह से उसकी ज़रूरत है। बाकी आपकी जो भी चीज़ें सहारा में या सहारा से भी अकाउंट्स पे चल रही हैं या और के दूसरे अकाउंट जो थे ब्रांच के, वो भी अगर इस तरीके से सीज किए गए हैं तो उसको भी आप मतलब वहाँ बोल कर उस चीज़ को ओपन करा सकते हैं। तो बात करते हैं कि बाकी जो ब्रांचें हमारी जो इस तरीके से वर्किंग कर रही हैं और अपना काम सुचारू रूप से जिस तरह से चल रहा है, तो पेमेंट आज ही डेट में भी वहां पे डिपॉजिट हो रहा है और जो भी पेमेंट हमारे निवेशक करता है, जो डेली डिपॉजिट करते हैं, वो तो अपना पेमेंट आज भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उनका भी डिपॉजिट आ रहा है। तो इससे ये लगता है कि हमारा जो भी पेमेंट्स हैं, पेमेंट हमारे सिक्योर हैं, ठीक है, हमें आगे मिलेंगे। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ पे ज़्यादा है उसको वहाँ पे उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो कोशिश ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारे निवेशककर्ता के भुगतान करवाने की सारा से गुजारिश है कि वो हमारे पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ और जिस तरीके से हो सके उस तरीके से प्रयास करें ताकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको उनका पेमेंट मिल सके और वो फिर से उस हमारे सारा हाउसिंग फाइनेंस या जो भी और भी स्कीमें हैं या सारा इंडिया परिवार के जो भी स्कीमें वो अपने चला रहे हैं उसमें वो फिर से निवेश करने का मन बना सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।